दुनिया अफगान पनाहगुज़ीनों की मुकर्रर मुद्दत में वापसी की हिमायत करे, पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं कि दुनिया अम दुश्मनों को मफाहमती अमल खराब करने की इजाजत बिल्कुल ना दे। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगान पनाहगुज़ीनों की मुकर्रर मुद्दत में वापसी की हिमायत करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान से मुतल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान सदर अशरफ गनी, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मुतअद्दिद ममालिक और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन के लिए इत्तेफाक राय को फरोग देना था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया कि पाकिस्तान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि खित्ते में कयाम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अमरीका तालिबान अमन माहदे से तारीखी मवाक़े पैदा हुए। पाकिस्तान ने कहा कि माहदे पर अमल दरामद से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। उम्मीद है अमन माहदे के तहत कैदियों की रिहाई का अमल जल्द मुकम्मल होगा। डॉक्टर आयशा फारूकी ने कहा कि दुनिया आम दुश्मनों को मफाहमती अमल खराब करने की इजाजत न दे। अफगान क़यादत सियासी मफाहमत के हुसूल के लिए मिलकर काम करे।